हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश मैपिंग एंड इट्स टाइप्स। तो कैश मैपिंग होती क्या है, हम क्यों यूज करते हैं और कितने टाइप्स हैं इसके, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप गेट, नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सिलेबस है, तो आप इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो, बिकॉज कैश मैपिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे रिलेटेड टू द टैग, रिलेटेड टू द सेट एसोसिएटिव, रिलेटेड टू द कैश मैपिंग, सबसे ज्यादा आपको इसी टॉपिक से ही मिलेंगे। तो मैं यहां पे सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं कि कैश मैपिंग होती क्या है। सो बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो सीपीयू है, वो सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होता है, कैश से। मतलब जो हमारी सीपीयू की चिप होती है, सीपीयू की चिप जो है उसी के ऊपर हमारे पास क्या होता है, कैश मेमोरी एम्बेडेड होती है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल वन है, लेवल टू है, तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स भी हो सकते हैं कैश के। मतलब कैश वन, कैश टू, कैश थ्री भी ऐसा भी पॉसिबल है कि मल्टीपल कैशेज हो। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, कैश से, और कैश जो है वो कनेक्टेड होती है किससे, रैम से, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है वो कनेक्टेड होती है किससे, जनरली हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है, या फिर आप बोल सकते हो जैसे हार्ड डिस्क। आज के टाइम पे SSDs भी आ रही है, बट जनरली हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क। तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक सा फंडा है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो पूरा का पूरा डेटा है, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, वो हमारे पास कहाँ होगा, ऑब्वियसली सेकेंडरी मेमोरी में होगा, क्योंकि इसका साइज जो है वो सबसे ज्यादा है। हम करते क्या है, उसमें से कुछ पोर्शन जो है, कुछ पोर्शन जो है वो कहां पे लेके आते हैं, रैम के अंदर लेके आते हैं, और रैम में से कुछ पोर्शन को हम कैश में लेके आते हैं, और फिर कैश से हम किसको देते हैं, सीपीयू को देते हैं, या तो डायरेक्ट देंगे या फिर सीपीयू यूज करता है रजिस्टर्स को, तो हम रजिस्टर्स में उस डेटा को लोड करेंगे। मतलब हम एक लेवल मेमोरी की बजाय मल्टीपल लेवल्स ऑफ मेमोरी यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, सबसे पहला स्पीड। स्पीड मतलब कि जो हमारा सीपीयू है वो सीपीयू काम करता है मिप्स में या फिर जिप्स में, मतलब मेगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, या जिसको हम बोल देते हैं कई बार मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मतलब 10^6 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, और जिप्स का मतलब है 10^9 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो आप देख लो ये काम कर रहा है माइक्रोसेकंड में और नैनो सेकंड में, एक काम को करने के लिए नैनो सेकंड का टाइम ले रहे हैं। और जो हमारी हार्ड डिस्क है या जो सेकेंडरी मेमोरी है वो काम करती है जनरली मिलीसेकंड में। तो इन दोनों के बीच में स्पीड का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझे तो आप कह सकते हो कि एक आदमी अगर एक काम को 1 घंटे में करता है तो वही सेम काम को दूसरा आदमी 10,00,000 घंटे में करता है। तो देख लो दोनों के स्पीड में कितना डिफरेंस है। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरी को लेके आना पड़ता है, जैसे हम लेके आते हैं रैम को और इसके अलावा कैश को, रजिस्टर्स को। ये मैंने ऑलरेडी मेमोरी हायरार्की में इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हमने पिरामिड शेप में एक्सप्लेन किया था कि किस मेमोरी का क्या एडवांटेज है, उनके बीच में हमने कंपैरिजन देखा था, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहां से उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो कैश मेमोरी से हमें क्या फायदा मिला कि कैश मेमोरी भी नैनो सेकंड स्पीड में काम करती है, मतलब इतनी फास्टर है कि सीपीयू की स्पीड के साथ कंपैटिबल है, और वैसे भी उसी चिप में है, तो मेरे को डेटा को लोड करने में, सीपीयू को डेटा देने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरा अगर यहां पे बात करें वो है कॉस्ट की। कॉस्ट का मतलब है कि हमारे माइंड में आता है कि सर अगर कैश या रैम इतनी फास्ट है तो सारे फिर कैश और रैम ही लगा दो सिस्टम में, हमें जरूरत क्या है हार्ड डिस्क की। नहीं, हार्ड डिस्क की जो साइज है वो कितना है, टेराबाइट्स में, लेकिन जो कैश मेमोरी है वो है कितनी, मेगाबाइट्स में, जनरली हमारे पास किलोबाइट या मेगाबाइट में है, और रैम जो है वो कुछ गीगाबाइट में, मतलब 2 गीगाबाइट है, 4 है, 8 है, 16, जो हम जनरली लैपटॉप्स में यूज करते हैं। तो अगर मैं टेराबाइट ऑफ कैश यूज करूं या टेराबाइट ऑफ रैम यूज करूं ना, तो लैपटॉप की जो कॉस्ट होगी वो लाखों में हो जाएगी, उसको कोई परचेज ही नहीं करेगा। तो हमें दोनों चीजों को पैरेलली चलाना है, कौन सी, स्पीड एज वेल एज कॉस्ट। मतलब स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और कॉस्ट भी जेन्युइन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेमोरीज को यूज करते हैं। तो अब कैश मैपिंग यहां पर कहां एग्जिस्ट करती है,
तो जैसा कि मैंने बोला कि रैम के अंदर हम करते क्या है, जैसे रैम को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, मल्टीपल ब्लॉक्स में, हम लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके अंदर हम डेटा को या यहां पे हम यूज करते हैं वर्ड्स को, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। वर्ड का मतलब है मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी। जैसे हम बोलते हैं वाटर के लिए हम बोलते हैं कि लीटर है, या हाइट के लिए हम बोलते हैं कि इतने फीट है, या अगर हम बोलें कि वेट के लिए हम बोलते हैं कि इतने किलोग्राम, तो वो एक यूनिट है उसको मापने के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें मेमोरी की, तो मेमोरी के लिए कौन सा यूनिट है, या तो हम यूज करते हैं बाइट कि मेमोरी इतने बाइट की है, या फिर हम यूज करते हैं वर्ड। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है कि मेमोरी इज अ वर्ड एड्रेसेबल। तो लेट्स से कि अगर हम बात करें मल्टीपल वर्ड्स को हमने यहां पे मेन मेमोरी में रखा हुआ है, तो हम करते क्या है, इन वर्ड्स को मतलब इन ब्लॉक्स में से जितने भी वर्ड पड़े हैं उस पूरे के पूरे ब्लॉक को मैं उठा के कहां पे लेके आऊंगा, कैश के अंदर लेके आऊंगा। और कैश को जनरली हम डिवाइड करते हैं लाइंस के अंदर, जो हम पूरे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट डायरेक्ट मैपिंग वगैरह में, जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन एक बेसिक सा ओवरव्यू मैं यहां पे दे रहा हूं कि जब हम इस पूरे ब्लॉक को, एक ब्लॉक को या मल्टीपल ब्लॉक्स को जब कैश के अंदर लेके आते हैं, कैश की लाइन में लेके आते हैं, तो मुझे उसको किस लाइन में रखना है, लाइन नंबर 0 में, लाइन नंबर 1 में, कौन सी लोकेशन में रखना है, ये कौन बताता है, कैश मैपिंग। मतलब आपका पूरा ब्लॉक जो उठ के आएगा, रैम में से पूरा ब्लॉक उठ के आएगा, वो कैश के अंदर कहां जाएगा, कौन सी लाइन में जाके वो ब्लॉक फिट होगा, और सीपीयू कैसे उसको रेफरेंस करेगा। हमारा काम इतना नहीं है कि सिर्फ डेटा को कैश में रखो, आपने डेटा को कैश में रख दिया, सीपीयू उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, सीपीयू क्या जनरेट करेगा, सीपीयू जनरेट करेगा एक एड्रेस। तो उस एड्रेस से हमने रेफरेंस कैसे करना है, मतलब उस एड्रेस से मैंने डेटा को कैसे फेच करना है, ये बताता है क्या, कैश मैपिंग। तो बस ये लाइन याद रखो कि मैंने रैम से ब्लॉक को लेके आना है कैश के अंदर, और कैश में हमने उसको कहां पे रखना है, और सीपीयू उसको कैसे रेफरेंस करेगा, कैसे उसको कॉल करेगा डेटा को, कैसे एड्रेस जनरेट करेगा, ये बताता है कैश मैपिंग। और इसके जो टाइप्स हैं, डायरेक्ट मैपिंग है, फुली एसोसिएटिव, K-way asset associative, ये बेसिकली ये तीन टाइप्स हैं जिनके ऊपर थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो जनरली इसी टॉपिक में से आएंगे। तो इसको हम थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहां पे आपको पता लग गया कि कैश मैपिंग होती क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। थैंक यू।